हमारे कांग्रेस के सरकार में मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कड़े कदम उठाए। पहली क्लास से इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इंग्लिश ही पढ़ाया जाता था, तीसरी और तीसरी में इंग्लिश पढ़ाया जाता था। पहली क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट को रिड्यूस करके और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं चाहे इंग्लिश है चाहे मैथ्स है चाहे लैंग्वेज के हैं वो सारे सारे इंग्लिश को रिड्यूस किया। हमारी सरकार ने हेल्थ इंस्टीट्यूशन कहा कि आदर्श आदर्श चिकित्सालय बने, हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडल रूप में एक आदर्श चिकित्सालय बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा जहाँ पे सारी की सारी बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध होगी। आज हमें मुझे बताने में खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में उन हॉस्पिटल में 5 स्पेशलिस्ट होंगे, चाहे वो गायनी का है चाहे वो मेडिसिन का है चाहे वो ऑर्थो का है चाहे वो का है हिस्सा है वो होंगे। आज 68 में से लगभग 43 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उन आदर्श हॉस्पिटलों में जो स्पेशलाइज डॉक्टर हैं आज स्पेशलाइज डॉक्टर में उपलब्ध हैं। आज हमने ये वादा किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को 1 लाख नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे और 1 लाख का वादा हमने 5 साल में किया है। कहीं भी हमने जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने 1 लाख कर्मचारियों को जो है 1 लाख क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की जो संख्या है वो 2.25 लाख की और किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो हर साल सरकारी क्षेत्र में 1 लाख कर्मचारियों को भर्ती ये नौकरी जो उपलब्ध कराई जा सके। मगर इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट इसके बावजूद भी हमारी प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत कराए ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसको जो है नौकरी मिल सके। 6,000 के करीब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रस्तुत किए हैं जिनमें से अधिकांश बहुत सारे कमीशन द्वारा जो है वो नियुक्तियां प्रदान कर दी गई है। 2160 कॉन्ट्रेक्टर करेंगे, 1260 जो है पुलिस और सेवल की भर्ती होगी, 6,000 के करीब एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां की जाएंगी, 4,500 के करीब आईपीएस में मल्टी टास्क वर्कर पंप ऑपरेटर किए जाएंगे, 900 के करीब जो है पटवारी और इस तरह से अलग अलग बहुत लंबी डिटेल है अलग अलग किसी डिपार्टमेंट में 50 पोस्ट हैं किसी में 100 पोस्ट हैं किसी में 100 पोस्ट हैं। हमने 22,000 के करीब पोस्टें स्वीकृत करके इनकी जो प्रोसेस है उनका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको आरम्भ किया गया। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो नौकरियों के क्षेत्र में जो है वो हमारी रफ्तारियों की ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे जो पेपर्स हैं वो बिका करते थे। हमीरपुर सॉलिड वेस्ट सर्विस बोर्ड जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और वहां के जो कर्मचारी और सेक्रेटरी और जो एम्प्लॉइज हैं वो 2-2 लाख में 4-4 लाख में 6-6 लाख रुपए में पेपर देते थे और जिसके पास पैसा होता था वो पेपर खरीदता था और सिलेक्ट हो जाता था। और जो नौजवान गरीब का बच्चा नौजवान मेहनत करता था गाँव में बैठ करके वो कभी भी जो है सरकारी नौकरी पाने का हकदार नहीं होता। मगर हमारे मुख्यमंत्री को जो ये सारी बातें ध्यान में आई और बड़ा लगा उन्होंने सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को भंग किया और रंगे हाथों उन कर्मचारियों को जो कर्मचारी कई अरसे से पेपर भेजते थे उनको रंगे हाथों पकड़ा है। ये हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों का किस तरह से किवाड़ हुआ करता था, पुलिस पेपर जो है वो पुलिस पेपर भर्ती किस तरह से बिकता था, 8 लाख में 10 लाख में जो है वो पुलिस के पेपर बिका करते थे। और हैरानी तब हुई जब कांग्रेस ने हल्ला मचाया, कांग्रेस ने इसको मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच इसको ले गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी कर
और तुर्की गोती जो है हशप करने की कोशिश एसआईटी की फॉर्मेशन करके प्रदेश सरकार ने हशप करने की कोशिश की इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिमाचल सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की थी, मगर चुनाव हो जाते हैं और चुनाव का हिमाचल प्रदेश में सीबीआई नहीं आती है, 6 महीने का कार्यकाल था, मगर जो है सीबीआई जो है वो हिमाचल प्रदेश में सीबीआई नहीं आती है, मगर सीबीआई कब आती है जब चुनाव हो जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। इस तरह का खिलवाड़ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और मैं आपको कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को जनाधार दिया और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनको पसंद नहीं है कि नज़र में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार थी उसको डिस्टेबलाइज करने का जो है वो प्लानिंग बनती रही। जिस वक्त मुख्यमंत्री ने ओथ ली उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, ऑपरेशन लोटस चला और ये सरकार जो है कुछ दिन की मेहमान होगी। मगर आज 1.25 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है आज भी जो है वो राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या खेल खेला ये किसी से छुपा नहीं है। जो सरकार जिस सरकार के पास बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है और जिस सरकार को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था उस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की भारतीय जनता पार्टी ने नाकाम कोशिश की, जिसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको फेल किया है। आज उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में केवल और केवल उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। किस तरह से इस सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, किस सरकार से इसको हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। राज्यसभा के चुनाव में जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था उसके बावजूद इन्होंने जो है अपने कैंडिडेट को उतारा। और हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, यहाँ पे जिस सरकार का बहुमत होता था दूसरी विपक्ष पार्टी जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारती थी। मगर इनकी मंशा थी, इनकी प्लानिंग थी, इंटेंशन थी कि किस तरह से दल बदल किया जाए, किस तरह से विधायकों के वोट को खरीदा जाए। और हिमाचल प्रदेश में अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों द्वारा के पास स्पष्ट बहुमत है। आज जयराम जी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कह रहे हैं कि ये सरकार ने तो अपना बहुमत खो दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज 62 इस सदन की संख्या जो है वो 62 है, 62 में 34 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और अगर इस सदन की संख्या 68 भी मान ली जाए तो भी 68 में से कांग्रेस पार्टी के पास तो स्पष्ट बहुमत और 34 का विधायकों का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बहुमत और जो ये अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए ये कर रहे हैं। कल मैं जयराम जी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हिमाचल की सरकार वेंटिलेटर पर है। जिस सरकार के पास 34 विधायक हों वो सरकार अनस्टेबल और वेंटिलेटर में कैसे हो सकती है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम जी को ऐसा लगता है कि लोकसभा की सीटें जीतना इनके लिए कठिन है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने का, लोगों के आंखों में पर्दा डालने की कोशिश जो है जयराम जी कर रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, चारों लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरह का खेल हुआ है, आज 6 सीटें जो हमारे 6 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के उनको टिकट मिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किस तरह से विस्फोट, पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में किस तरह से हुआ है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की जो है बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 विधानसभा चुनाव
विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी उसको जीतेगी और चारों के चारों जो है चुनाव विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की इस सवा साल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस तरह से निकाला है, आज इस बात को शांता कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वर्ल्ड बैंक के हमारे जो चेयरमैन है और हमारे जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन सब ने हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस तरह से आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को निकाला, उसकी सराहना की गई है। आज हिमाचल प्रदेश के जो आम आने से 1 लाख से अधिक जो इंतकाल है, रिश्तियां हैं, इंतकाल हैं या रेवन्यू में जो डिस्प्यूट्स है, तकसीमें हैं, उसका समाधान हुआ है। आज हमारी जो पॉलिसी है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हक में जो निर्भर है। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा, आज हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के लोग में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, आज हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनका देवी देवताओं में जो है आस्था विश्वास है। और जो लोग दल बदल करके जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया, जिस क्षेत्र की जनता ने उनको वोट देकर विधानसभा में भेजा, उन्होंने ना केवल अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी की है बल्कि उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं जिन्होंने उनको चुन के भेजा है उनके साथ भी विश्वासघात किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन क्षेत्र के लोग ऐसे व्यक्तियों को जो दल बदल करते किस लालच से करते क्या मंशा थी, वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हिमाचल प्रदेश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हिमाचल की राजनीति ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि हिमाचल की जो राजनीतिक दिशा है, हिमाचल की राजनीतिक दिशा और दशा 1 जून को हिमाचल प्रदेश के लोग देख रहे हैं। क्या ये 6 लोग हैं जिन्होंने दल बदल किया है, किस मंशा से दल बदल किया है, क्यों दल बदल किया है, इस सरकार को गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की लालच में आकर के उन्होंने किया है, वो प्रकाश नहीं करेंगे। क्या हिमाचल प्रदेश के लोग दल बदल वाले लोगों को पसंद करेंगे? क्या हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो साफ है, जिनकी आस्था अपनी पार्टी के प्रति आस्था है, जिनका अपनी पार्टी के प्रति विश्वास है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आप देख रहे हैं, चाहे धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र है, चाहे उज्जैन विधानसभा क्षेत्र है, चाहे आपका चिंतपुर चाहे आपका लाहौल स्पीति में तो पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल है, जिला है, वहां के जो नेता है मार्ग में जो है पार्टी को निर्णय करके आज इस तरह का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से विस्फोट और जिस तरह से अंतर्कलह और विरोध हो रहा है मंडी में आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, एक्स एमएलए, पार्टी के वरिष्ठ लोग किस तरह से बैठे करके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये दल बदल और इस तरह का जो राजनीति जो चल रही है हिमाचल प्रदेश में उसका विरोध करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को जो दल बदल करने वाले लोग हैं, जो लालच दो में आकर के जो है चुनी सरकार को गिराने की कोशिश और प्रयास करते हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो मुंह तोड़ जवाब देती है। इसके अलावा आपने कोई और प्रश्न पूछने तो आप पूछ सकते हैं। असर लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस के कई सदस्य उनके विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं, यही वजह है कि वो 4 तारीख को जो है जब परिणाम आएंगे तो वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे और सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में। देखो ये सारी आधुनिक बातें, इन 6 विधायकों का क्या हासिल हुआ है ये सबको पता है, इनकी क्या स्थिति है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेता लोग और फिर स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी के नेता ये वही कहेंगे कि कांग्रेस जीतेगी, स्वाभाविक सी बात है वो अपने को जीता बताएगा, कोई राजनीतिक पार्टी बोलेगी। और मैं निश्चित रूप से आपको स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक है उनकी आस्था कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है और ये कांग्रेस की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। ये
जयराम जी के और भारतीय जनता पार्टी के मुंगेरी लाल के सपने हैं, जो अपने लोगों को टिकाने के लिए, अपने लोगों को वोट खाने के लिए, अपने कुंडे को इकट्ठा रखने के लिए एक सपना दिखा रहे हैं कि 4 तारीख को सरकार मिल जाएगी, ऐसा होगा कैसा होगा। आप क्या मानते हो कि 6 सीटें जिसके उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है कि कांग्रेस पार्टी 1 भी सीट नहीं जीतेगी? कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है क्या? इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में क्या काम नहीं किए हैं? और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 1 जून के चुनाव में, जिसका परिणाम 4 जून को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी 6 की 6 सीटें जीतेगी और स्पष्ट रूप से ये सरकार जो है 4 साल का कार्यकाल अपना जो है वो पूरा करेगी। ये तो स्लो ब्रेक लगा था।